नक्सली क्षेत्र बस्तर में जहां आज तक रेल नहीं पहुंच पाई है, वहां बहुत ही जल्द रेल सेवा भी शुरू हो सकती है। इसको लेकर रेलवे प्रशासन और सांसदों ने बैठक की है। बस्तर में रेल यात्रा पर सांसद मोहन मंडावी ने कहा है कि बस्तर में रेल संचालन की मांग को लेकर सभी सांसदों ने रेल प्रबंधन से चर्चा की है, तो वहीं नक्सली उत्पात को नकारते हुए कहा है कि अगर बस्तर में रेल सेवा पहुंच गई तो बस्तर का विकास का मार्ग खुल जाएगा। दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे और दोनों सदन के सांसदों के बीच आज बैठक हुई है, क्या कुछ मांगे रखी गई बैठक में, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं बस्तर से सांसद मोहन मंडावी जी, हमारे साथ हैं। सर, बस्तर जाना जाता है कि आज भी वो रेल परियोजना, रेल व्यवस्था से दूर है, तो आप किस तरह से मांग इनके बीच में रखे हैं, क्या प्रस्ताव था? आज हमारे रेलवे दक्षिण पूर्व मंडल का बैठक हुआ, उसमें हमारे माननीय सांसद अरुण साहू की अध्यक्षता में हुई और हम सबसे पहले बस्तर के बारे में बताए। वहाँ आज तक के 95% लोग रेल नहीं देखे हैं, जबकि बेलाडीला से प्रतिदिन विशाखापट्टनम के लिए 40,000 टन लोहा जाती है और अभी रावघाट तक की रोड रेल लाइन करने की व्यवस्था चल रही है। तो हमने कहा कि धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव और कोंडागांव से जगदलपुर तक के जोड़ा जाए, हमारे लोगों को यात्रा सुविधा भी मिले, रेल का आनंद लें। और इस बात को लेकर के हमारे सभी माननीय सांसद लोग समर्थन किए और अधिकारी लोग भी आश्वासन दिए हैं, हम निश्चित रूप से बस्तर को पहले महत्व देंगे करके, और इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे बस्तर को रेल लाइन मिलेगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने प्रस्ताव रखा बस्तर में रेल लाने की, अधिकारियों ने हामी भरी, तो क्या कोई समय बताया गया कि रेल जो आप बता रहे हैं 85% लोग आज भी रेल नहीं देखे हैं, तो कब तक पहुंचने की बात हो रही है, 10 साल में, 15 सालों में, कुछ ऐसा अनुमान? अनुमान नहीं बताया, लेकिन निश्चित रूप से इनको सबसे पहले प्राथमिकता बेसिस पे हम करेंगे, ऐसा करके आश्वासन दिए हैं और एक मतें हमारे सांसद और सभी अधिकारी लोग भी इसको महसूस किए। वास्तव में सबसे ज्यादा राजस्व हमारे बस्तर देती है, क्या नहीं है, लोहा, कोरंडम, लकड़ी है ना, बॉक्साइट, उसके बाद भी रेल नहीं जुड़ा है और इसलिए हम हमारे समर्थन में सब लोग बात रखे और आज के एजेंडा में सबसे पहला प्राथमिकता बस्तर को दिया गया है। अभी आपने सुना मंडावी जी को, जिनका साफ कहना है कि अगर बस्तर में रेल सेवा पहुंचती है तो उसका विकास दोगुनी से होगा, क्योंकि आज तक ये संचार माध्यमों से अवरुद्ध है। कैमरामैन सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।